Okay, so let's begin. लास्ट टाइम जो है वो हमने मॉलिक्यूल्स की डिस्कशन शुरू की थी, और इफ यू रिमेम्बर वी डिस्कस्ड द रोटेशनल एंड एंगुलर द वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रम ऑफ द मॉलिक्यूल, कि कैसे जो है जो रोटेशनल एनर्जीज हैं वो जे इंटू जे प्लस वन से आ जाती हैं व्हेन वी अज्यूम आवर वेव फंक्शन टू बी अ प्रोडक्ट ऑफ समथिंग एंड दिस स्फेरिकल हार्मोनिक्स. और जो जो वाइब्रेशनल पार्ट है, इट कम्स बाय अप्रोक्सीमेटिंग द एनर्जी प्रोफाइल ऑफ यू नो न्यूक्लियाई एट द इक्विलिब्रियम पॉइंट. कि अगर हम सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म्स तक रखें तो इट इज एसेंशियली हार्मोनिक ऑसिलेटर, राइट, वेयर वी टोक यू इज इक्वल टू सम कांस्टेंट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव व्हिच इज जीरो प्लस सेकंड डेरिवेटिव इन टू यू नो एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन. सो एंड देन वी आर एबल टू राइट द टोटल एनर्जीज फॉर न्यूक्लियर मोशन, जिसमें एक वाइब्रेशनल पार्ट है और जो एक पार्ट है वो, चूंकि जो दो न्यूक्लियस हैं देर असेंशली अ वन बॉडी प्रॉब्लम, ठीक है, सो दैट हैज अ स्फेरिकल सिमेट्री. सो जो स्फेरिकल हार्मोनिक्स हैं वो वेव फंक्शन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से देर इज अ रोटेशनल डिपेंडेंस ऑफ एनर्जीज एज वेल. ओके, सो टुडे इंस्टेड ऑफ डिस्कसिंग द न्यूक्लियर मोशन इन अ पोटेंशियल क्रिएटेड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, वी विल एक्चुअली discuss the electronic energies that you know how do you compute that spectrum U in which the nuclei move, plus that will have an additional benefit that we will be able to see why bonds are formed and you know what are bonding and antibonding states, or फिर उसकी मदद से even you know using approximate theory that we are using we'll be able to see for example why helium can't have a bound ground state, or maybe other atoms, what types of atoms you know will have ground bound state and what might have excited bound state but not ground bound state and so on. हमारे आज और कल का दो लेक्चर जो हैं वो सिर्फ इस पे हैं, सो इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी थारो, बट होपफुली दिस विल बी गुड इनफ दैट यू विल गेट एन आइडिया ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स डिफरेंट एटम्स. अगरचे हमारी जो डिस्कशन है वो सिर्फ होमो न्यूक्लियर डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल पर ही है, जिसमें वी आर टेकिंग अ मॉलिक्यूल टू बी मेड बाय ओनली टू एटम्स एंड बोथ एटम्स आर द सेम, बोथ न्यूक्लियर आर द सेम. सो हम ये जो होमो न्यूक्लियर सिचुएशन है उसको डील करेंगे, एंड देन यू नो इन केमिस्ट्री पीपल डू स्टडी यू नो अ लॉट ऑफ डिफरेंट सिचुएशन, एंड इवन इफ यू गो ऑन टू स्टडी सम अप्लाइड एटॉमिक फिजिक्स में भी यू कैन ऑल्सो डू देयर, बल्कि कुछ प्रेजेंटेशन में भी कुछ अप्लाइड टॉपिक्स को डिस्कस किया होगा. बट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द स्पेशल मॉलिक्यूल, एंड एक्चुअली इवन इवन मोर स्पेशल देन दैट, इट्स नॉट जस्ट हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट्स एक्चुअली अ मॉलिक्यूल आयन. सो इट्स जस्ट दिस स्टेट, we have two hydrogen atoms but only one electron, okay, so it's a H2 plus, that one electron has been removed, so there are two nuclei and only one electron. Aur iska ye jo hai, this just provides a prototype, just like you know a prototype that we had for hydrogen atom, aur uski madad se we are able to build solutions for multi electron atoms and you know sort of develop a mental picture at least के कैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन को इमेजिन कर सकते हैं. तो ये जो हाइड्रोजन आइन मॉलिक्यूल आइन है, दिस डज द सेम थिंग एज वेल. इसकी बेस पे वी कैन देन डिस्कस मल्टी इलेक्ट्रॉन यू नो मॉलिक्यूल्स एंड अदर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. ऑफ कोर्स द फिजिक्स कीप ऑन चेंजिंग, बट दिस स्टिल प्रोवाइड्स यू नो कन्वीनियंट वे ऑफ पिक्चरिंग डिफरेंट यू नो बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड एंड देयर एनर्जीज. So that's why this is, you know, almost as fundamental as the hydrogen atom itself in atomic physics. Okay, so the situation is like this.
So let's say we have a nucleus at position A and a nucleus at B, and let's say this is origin, and there's only one electron. Okay. And suppose that this distance is RA, this distance is RB. In general, this is not perpendicular, you know, this is just there. And suppose this is distance R and this is angle theta. Or ye jo electron hai, iska jo angle hai around this axis, let's say this is Z axis, this angle is phi. So electron, you know, has these coordinates R theta and phi. So I can write its Hamiltonian as minus half del square minus 1 over RA minus 1 over RB. So this minus 1 over RA is the potential due to this nucleus. Or the 1 over RB hai, wo iski wajah se potential hai. Aur chunke ye positive aur ye negative hai, so there's a minus minus sign. Or ye jo del square hai, it is with respect to this R coordinate. Okay, so kinetic energy, potential for a single electron. Or maine atomic units use ki hai, where H bar is 1, M is 1, E is 1, 4 pi epsilon naught is 1. Is everybody okay with the Hamiltonian? Theek hai Sajid? Perfect. So, you know, it's a very simple looking Hamiltonian, even though it's quite complicated. Jis tarah humne last time discuss kiya tha, to actually solve, let's say there are some wave function psi EL, and there is a corresponding energy EL. And of course, there are many energies and many, you know, functions that are eigenfunctions of this operator. But because I'm bar bar likhenge, I'm not just actually going to write this EL again and again. Because we are just electronic parts se deal kar rahe hain, so just, you know, work without this subscript EL. Okay, so let's concentrate on the ground state. But before that, let me just, you know, give a remark that I gave last time. Okay, you can solve this equation in general in confocal elliptic coordinates. And these coordinates are xi, eta, and phi, where xi is RA plus RB over, if we take this distance to be R, this is this, and eta is RA minus RB over R. And this phi is equal to this phi. So if we transform our Hamiltonian into these new coordinates, which actually means that agar aap ye RA jahan pe aa raha hai, wahan pe main dono ko agar add kar dun, to ye RB ya RB cancel ho jayega, I'll get twice RA. So xi plus eta over 2 into R. Ye RA ki jagah pe substitute kar de. और आर बी के लिए अगर एक्साई से ईटा माइनस कर लें तो अब आर ए और आर बी को ये सब्स्टिट्यूट कर दें एंड यू कैन कन्वर्ट दिस हैमिल्टोनियन इनटू हैमिल्टोनियन एंड देन यू कैन एक्सप्रेस योर psi as a product of an xi dependent part and eta dependent part and a phi dependent part is still iota m phi, because this problem can there be axial symmetry hai, so our wave function must be an eigenfunction of lz, or lz ke jo eigenfunction of exponential iota m phi hote hain. You can put this psi here and, you know, find psi of xi, psi of eta. Or but that's a series form, or e ki bhi koi closed form nahi nikalti, so it's not something, you know, that is very illuminating.
So we are not going to do that. क्योंकि देखे ना ये है एक एक पार्टिकल इधर है एक इधर है और इधर ये इलेक्ट्रॉन है. तो अगर आप अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम को अराउंड फाई करें तो दिस इज स्टिल यू नो द सेम थिंग. जो आपका पोटेंशियल है इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ फाई. ठीक है ओके. सो वी आर नॉट गोइंग टू डू दिस वे ओके. But still, let's say we might need this xi eta coordinate for integration, etc. So let's just see their limits. For example, अगर इसको देखें तो जो eta है phi की तो limit हो गई ना. Phi should vary between 0 to pi. जो xi है इसकी minimum value क्या होगी? If this electron is, let's say, here, then R A is equal to R. R over R is 1. Yeah, agar ye electron idhar hai, so it's R B. R B is equal to R. So it goes from 1 and can go to infinity because this electron can go to infinity. So this R A plus R B can go to infinity. This is a constant. So minimum value 1 hai, maximum kuch bhi ho sakti hai. It's infinity. जो ईटा है अलबत्ता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? अगर आपका आर ए जो है अगर पार्टिकल इधर आ जाता तो इसका आर ए आर के बराबर आ जाएगा और आर बी कितना होगा? 0. तो इट्स 1. और अगर ये इधर आ जाता है तो आर बी इज इक्वल टू आर है ये 0 है तो इट्स -1. लेकिन अगर फर्ज करें ये पार्टिकल इधर चला जाता है इधर है तो इतना आर ए है इतना आर बी है तो आर ए माइनस आर बी स्टिल इक्वल टू आर. सो इट्स आर ओवर आर वन. इसी तरह अगर इधर है तो आर ए माइनस आर बी विल बी माइनस वन. और अगर इधर कहीं पे है तो ये जो डिफरेंस है आर ए और आर बी का इट्स नेवर गोइंग टू बी मोर देन आर. ठीक है ना. जहां मर्जी चले जाए जो आर ए और आर बी का डिफरेंस है इट्स नेवर गोइंग टू बी मोर देन आर. ठीक है ना. तो इसका मतलब है डिफरेंस इज इन मैग्नीट्यूड मैक्सिमम आर. सो इट कैन बी प्लस माइनस आर से प्लस आर तक वेरी कर सकते हैं. सो ईटा कैन ओनली वेरी बिटवीन माइनस वन एंड वन. सो ये जो कन्फोकल एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट्स है ना उनकी ये लिमिट्स हैं. ओके सो लेट्स स्पेशलाइज टू द ग्राउंड स्टेट. सो फॉर ग्राउंड स्टेट एम इज 0. The lowest angular momentum state, just like a hydrogen atom. Or if you just recall, जो energy है, जो दो nuclei हैं, ये जिस अगर इनके दरमियान में distance r है, तो जो इनकी potential energy है, it has two terms. One is this electronic energy, which is function of R. ये जो E है, this is actually function of R. क्योंकि nuclei के दरमियान में जितना distance आप fix करेंगे, this energy you know will depend on that between this electron's energy. क्योंकि it will impact the potential. Plus, it has this one over R term, which is the potential energy of repulsion between the two nuclei. ठीक है. तो ये जो U है this is the potential energy seen by these two nuclei. और in general it depends on R. और let's see कि इसकी जो है ना वो properties क्या हो सकती है ground state के लिए. So for ground state अगर E of R को देखें तो ये हम last time discuss कर रहे थे वैसे एज अ फंक्शन ऑफ आर. अगर ये दोनों पॉइंट्स कोलैप्स कर दें यानी दोनों न्यूक्लियस एक ही जगह पे आ जाएं तो दिस बिकम्स अ हीलियम एटम. व्हिच मींस कि फॉर आर जीरो आवर एनर्जी शुड बी माइनस हाफ इनटू फोर. फोर जो है ना वो जेड स्क्वायर है क्योंकि हीलियम एटम का जेड टू होता है
तो माइनस हाफ आर थ्री है, सो दिस इज माइनस टू, और आर इंफिनिटी पे जो एनर्जी है ये इलेक्ट्रॉन या इसके पास होगा या इसके पास, विच इज द हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, सो दिस वुड बी जस्ट माइनस हाफ, ठीक है। और इस टर्म को देखते हैं, इसका मतलब है U जो है विच इज E प्लस R, ये कितना होगा एट R इज इक्वल टू जीरो, ये वन ओवर इंफिनिटी हो गई, तो E कुछ भी है, सो दिस इज इंफिनिटी। एट R इज इक्वल टू इंफिनिटी दिस इज जीरो, सो E इज माइनस हाफ, सो दिस इज इन एटॉमिक यूनिट्स। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल एनर्जी प्रोफाइल है वो आर जीरो पे इंफिनिटी को जानी चाहिए और आर इंफिनिटी पे माइनस हाफ को। सो यहां पता चल गया कि यहां पे ये कुछ यू है और यहां पे कुछ यू है, अभी हमें ये नहीं पता कि यहां पे क्या है, बट देयर आर टू यूजुअली पॉसिबल बिहेवियर। वन इज दैट यू नो इट कम्स गो टू अ डिप एंड देन इज लाइक दिस, so in this case there is a sweet spot, there is a internuclear distance r, let me call it re, e for equilibrium, where the energy is minimum, so iska matlab hai jo nuclei hai they want to remain at a distance re because here they experience the minimum energy due to their own repulsion and attraction with electron. This is one situation. There's actually another possible situation as well, which is something like this. That there is no minima except for R infinity. That when you start separating the nuclei, their energy decreasing, and only goes to minus half at infinity. This type of profile mean that there is a bond. So this is a like bonding state, and this mean there's no bond, this is called anti-bonding state. So an anti-bonding energy profile is the one which doesn't have a minima, and a bonding energy profile is a profile where there is a minima so that nuclei would like to be there. Right now I can't say anything because abhi humne problem solve nahi kiya, but when we will solve the problem there in general are two possibilities. Okay, or let me just repeat the symbols from last time again. Humne discuss kiya tha ke if I find the magnitude of the m quantum number, for zero we call sigma, for one pi, delta, pi and so on. So these are, you know, state names. So any state with m zero is sigma. Jo atomic states hain unko hum kehte the with m zero s states, right? So this s for sigma. Aur jo atomic states thi with m is equal to one unko hum kehte the p states. So this pi is for p. So वो atomic symbol है, ये molecular symbols हैं. और उसमें atomic में जो m is equal to two states हम कहते थे d. So this delta is you know corresponding to that d states and so on. So f for phi and so on. Okay, so this is just a nomenclature. There's actually one more thing. Now before we solve our problem, we can see one other property of this, you know, Hamiltonian, and that is that under invariant through origin, this Hamiltonian is unchanged. Okay, and we can see it like this. So, agar yahan pe hai origin, which is let's say at the center of these two nuclei, so if I change all the coordinates to their minus, yani x y z jo hai wo ban jaye minus x minus y minus z, to
ये इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि दोनों न्यूक्लियर सेम है, होमो न्यूक्लियर, सिचुएशन इज नॉट चेंज। और जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इधर आ जाएगा, ठीक है, और अब उसका और बिल्कुल रिफ्लेक्ट करेंगे तो जो आर ए होगा वो अब आर बी के बराबर हो जाएगा। यानी जितनी लेंथ ये है, अगर बिल्कुल इधर आता है ये, थोड़ा मैं जरा चलो इधर करके बना देता हूँ, तो जितना ये आर ए है उतना ये आर बी हो जाएगा, और जितना ये आर बी है उतना ये आर ए हो जाएगा। तो अगर आर बी और आर ए को स्विच करें तो नथिंग हैपन्स हियर। ये जो डेल है इसमें भी चूंकि ये जो आर है यू नो इट्स अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ आर ए एंड आर बी, इसमें आर ए आर बी को चेंज करेंगे नथिंग विल हैपन। सो दिस एच इज रिमेन अनअफेक्टेड बाय द इन्वर्जन, विच मीन दैट सो ये जो काम करता है दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड अ पैरिटी ऑपरेटर विच टेक्स योर कोऑर्डिनेट एक्स वाई जी एंड ट्रांसफॉर्म देम टू माइनस एक्स माइनस वाई माइनस सी। एंड नाउ वी सी दैट आवर हैमिल्टोनियन कम्यूट्स विद दिस पैरिटी ऑपरेटर। सो इट मीन्स दैट कि जो हमारी सोल्यूशन स्टेट्स हैं ये साए, दे शुड ऑल्सो बी द आइगन स्टेट्स ऑफ द पैरिटी ऑपरेटर। और पैरिटी ऑपरेटर की आइगन स्टेट्स क्या होती हैं भला? इवन ऑड स्टेट्स, ठीक है। इवन स्टेट वो होती है कि अगर आप उसमें एक्स वाई जी को माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जी से चेंज करें तो यू गेट द सेम फंक्शन, और ऑड स्टेट होती है कि अगर आप ये इन्वर्जन करें तो यू गेट द सेम स्टेट विद माइनस साइन, एंड बोथ ऑफ दोज स्टेट्स यू नो आर आइगन फंक्शन ऑफ ईच। ओके परफेक्ट, सो नाउ वी हैव सम आइडिया अबाउट आवर स्टेट्स ऑलरेडी दैट दे आर गोइंग टू बी यूजुअली बाय द वे फॉर यू नो सिंपल हैमिल्टोनियंस दे आर कम्यूट विद द पैरिटी ऑपरेटर, सो इट्स आइदर इवन और ऑड। ओके बट यू नो वी विल सी दैट दैट थिंग इज यू नो हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द सॉल्यूशन स्टेट। बट देयर इज ओनली यू नो वन लिटिल बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, एंड दैट इज कि जो सिंबल है ना वो अनफॉर्चुनेटली हमारे जो सॉल्यूशन स्टेट्स इवन होंगी, लेट मी राइट हियर, सो इवन जो स्टेट्स हैं वी विल यूज अ सबस्क्रिप्ट जी, दिस इज फॉर जर्मन गी रेट, और जो ऑड स्टेट्स हैं we will use symbol U for ungirate. ठीक है, so जो हम ये solution states साई निकलेंगी, जो even होंगी we will put a subscript G, और जो odd होंगी we will put a subscript U. All right. So let's now solve for the ground state. And we will do the solution using variational method. You can actually get the same solution using the perturbation as well. It proceeds in a similar way. And I'll just give comments as we go along if you want to use perturbation theory, what you should be doing, because there'll be a problem in homework on doing the same thing using the perturbation theory. Okay, so here's the way we are going to do. So main just aapko summary dobara se de dun. Jo perturbation method hota hai usme hum apne hamiltonian ko do part mein break karte hain. There's an unperturbed hamiltonian and there's a perturbation part. Aur phir hum unperturbed ke solution likhte hain and then the energies due to the perturbation part wo hum wo उसको सैंडविच कर देते हैं उसके आइगन स्टेट्स के अंदर, इफ दे आर यू नो नॉन डीजनरेट, अगर डीजनरेट है तो देन वी हैव टू डू लिटिल बिट मोर। बट इन द वेरिएशनल मेथड वी स्टार्ट विद अ ट्रायल फंक्शन दैट हैज सर्टेन पैरामीटर्स दैट वी कैन वेरी, एंड देन आवर गोल इज टू वेरी दोज पैरामीटर्स टू फाइंड अ मिनिमम, राइट, वेयर द एनर्जी वेयर अ सर्टेन रेशियो ऑफ टू इंटीग्रल बिकम्स मिनिमम, and for that parameter is what you know our solution corresponds to. And
our solution is only as good as our initial guess. That's a very critical point. ये जो आपने ट्रायल फंक्शन लेना है वो जितना अच्छा लेंगे आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो भी उतना अच्छा होगा. अगर आप कोई बहुत सिंपल सा गैस ले लेते हैं विदाउट इवन लुकिंग एट द प्रॉब्लम, कोई लिख लें कि लेट्स से फाई ट्रायल फंक्शन फाई इज इक्वल टू आई डोंट नो सम, अगर इसको देखें कोई आर ए है आर बी आई डोंट नो, आप यूं करके कुछ लिख दें तो ओके दिस इज अ लेजिटिमेट ट्रायल फंक्शन इफ बट इट अगर आप इसको मिनिमाइज करते हैं ये लेट्स से पैरामीटर के है सो यू माइट बी वेरी फार अवे फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट. सो ऑल द एनर्जी एंड इंटेलिजेंस इन वेरिएशनल मेथड एक्चुअली गोज इन डिसाइडिंग द इनिशियल ट्रायल फंक्शन, क्योंकि उसके बाद तो मैकेनिकल पार्ट, आप कंप्यूटर को ट्रायल फंक्शन दे दें वो आपको मिनिमम करके दे देगा. तो जो आपकी फिजिक्स की ट्रेनिंग है वो सिर्फ ट्रायल फंक्शन सेलेक्ट करने में ही इस्तेमाल होती है, उसके बाद तो इट्स जस्ट मैथमेटिक्स. सो फॉर दैट लेट्स सी व्हाट कैन बी अ गुड ट्रायल फंक्शन. और ऑफ कोर्स ट्रायल फंक्शन अगर तो आपने रिसर्च करनी है ठीक है, दैट यू हैव अ पीएचडी टू डू इन लाइक 3-4 years एंड योर ओनली जॉब इज टू सॉल्व वन प्रॉब्लम बाय मिनिमाइजिंग इट, देन यू वुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ ट्रायल फंक्शन विच इज very accurate in terms of you know modeling the situation, and then you can spend months on putting it into computer or trying to solve complicated integrals. But when we study in class we usually try to do something that we can solve a problem in like 75 minutes. Aur itfaq ki baat ye hai ki bahut sare jo problems unki jo gist hai we can do that in 75 minutes. So we'll choose a trial function which is simple and we can easily solve it within the class time. Albat I'll point out a way as well ke if you want to make approximation even better what will you have to do. By the way mere liye jo surprising cheez hai wo ye hai ke quantum physics jo Schrodinger equation it was discovered in 1926 right, remember that 26 23 or 26 I don't know, it's in 20s. और जो ये सारे मॉलिक्यूल्स की एनर्जीज हैं यूजिंग श्रोडिंगर इक्वेशन एंड वेरिएशन एंड पर्टर्बेशन थ्योरी इवन मोर यू नो एक्यूरेट देन व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, पीपल हैड डन दैट बाय 1928 ठीक है. सो दिस इज हाउ फास्ट पेस्ड रिसर्च वाज इन दोज डेज व्हेन इवन इफ यू हैव टू सेंड अ लेटर फ्रॉम हियर टू लेट्स से यूके इट विल टेक मंथ्स. उसकी शायद एक वजह ये भी है कि ज्यादातर जो साइंटिफिक एक्टिविटी है 20s और 30s में इट वाज कंसंट्रेटेड एक दो यूके के पार्ट था और कुछ जर्मनी में और दो सारी इवन सिटीज ही थे, कंट्रीज भी इवन यू नो वेरी फार अवे थे एंड पीपल साइंटिस्ट वर कम्युनिकेटिंग विद ईच अदर यू नो वेरी एफिशिएंटली के ये रिजल्ट आया एंड यानी श्रोडिंगर इक्वेशन बिकेम पॉपुलर वेरी क्विकली. And people also started thinking about the applications of various problem as well. Anyway, so let's come back to this problem. So we have this situation. We have a molecule here and molecule here, and we want to construct a trial function. Or hamara bhi maqsad sirf ground state solve karna. So one of an intelligent way of you know I think. guessing a proper ground function is something like this, that we can imagine a ground function let's say with some coefficient ca, one s a and c b, one s b, and what is this one s a and one s b, so these are you know parameters that we have to find out ke ye one s a asal mein iska ground function hai और जो 1sb है वो इसका एटॉमिक ग्राउंड फंक्शन है. सो दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट वे ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ट्रायल फंक्शन. दिस मेथड इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल मोलेकुलर ऑर्बिटल गैस. अब देखिए अभी हम सॉल्व करें मोलेकुलर ऑर्बिटल्स के लिए, आई वॉन्ट टू फाइंड द मोलेकुलर सोल्यूशन राइट, सो दे आर कॉल्ड मोलेकुलर ऑर्बिटल. जिस तरह हाइड्रोजन एटम को सॉल्व करें तो व्हाट वी गेट वी कॉल देम एटॉमिक ऑर्बिटल, एंड दैट मोलेकुलर ऑर्बिटल सोल्यूशन फाई I have written as a linear combination of
atomic orbital solutions. So this particular approach is called LCO. Okay, where 1SA is the ground state of hydrogen atom, except that I have this parameter K. I don't know if you remember, असल में जो अगर हाइड्रोजन का ग्राउंड स्टेट देखें ना तो उसका सिर्फ ये पाई स्क्वायर रूट है, वन ओवर पाई स्क्वायर रूट और एक्सपोनेंशियल माइनस आर है बस. Let me just write. So ये है so ये है, लेकिन मैंने ये क्यों लिखा है, just talk little bit and tell you why. So ये है 1sp, ये इसलिए लिखा है कि वी हैव टू मेक श्योर कि इन एक्सट्रीम केसेस आवर ट्रायल फंक्शन रिड्यूसेस टू व्हाट इट शुड. आप अगर ये शामिल ना करें और यहां भी वन लिख लें, यहां भी वन लिख लें तो क्या होगा? सो यू कैन स्टिल यू नो फाइंड दिस पैरामीटर्स टी ए एंड सी बी एंड ट्राई टू मिनिमाइज योर इंटैक्ट योर यू नो this integral phi h phi, इसको हमने मिनिमाइज करना है ना, ठीक है, एंड फाइंड दी सी ए सी बी एंड एनी अदर पैरामीटर दैट वी हैव. अब यू कैन डू दैट, लेकिन इसमें मसला क्या होगा? एक तो इसमें मसला ये आ रहा है कि अगर ये दोनों वाले न्यूक्लियस कोलैप्स करते हैं और हमारा जो एक ये इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि ग्राउंड स्टेट को देख रहे हैं तो ये बन जाएगा हीलियम आयन. तो हीलियम आयन की जो ग्राउंड स्टेट है, जो हीलियम आयन की ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी होनी चाहिए माइनस हाफ एक्सपोनेंशियल माइनस हाफ जेड स्क्वायर इज फोर, और इसका जो वेव फंक्शन है वो होना चाहिए वन ओवर पाई स्क्वायर रूट एक्सपोनेंशियल माइनस टू आर. क्योंकि यहां पर ना अगर जनरल हाइड्रोजन एटम को तो जेड आता है, तो ये हीलियम का ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन इसके प्रोपोर्शनल होना चाहिए. लेकिन अगर आपने इधर वन वन लिया हुआ है तो जब इसको कोलैप्स भी करेंगे तो ये तो एक्सपोनेंशियल माइनस आर ही होना है, ये वो माइनस टू आर वाला नहीं बनना. अगर इन दोनों का आप इन्फिनिटी पे ले जाते हैं तो ग्राउंड स्टेट होगी कि ये इलेक्ट्रॉन ये इसकी ग्राउंड स्टेट में आ जाए, ये इसकी में आ जाए, फिर तो ठीक है. फिर अगर आप वन वन भी लिखा होगा ना तो आपका जो वेव फंक्शन है वो उस सिचुएशन को अप्रोक्सीमेट कर लेगा इसका, लेकिन ये वो जो कोलैप्स वाली है ना उसको मॉडल नहीं कर सकेगा. सो आई हैव इंट्रोड्यूस अनदर वेरिएशनल पैरामीटर, और ये इसी साल लिखा है कि ये जरा स्टार्टिंग में ही नॉर्मलाइज हो जाते हैं. आप ये नाम ही लिखें तो ये जो फिर सी ए सी बी है ये नॉर्मलाइजेशन से वो करेक्ट खुद ही हो जाएंगे. लेकिन अगर आप इस वन एस बी को इस तरह से डिफाइन कर लें तो दिस इज ऑलरेडी नॉर्मलाइज, जिसका मतलब है कि वेन एवर आई विल हैव टू फाइंड दिस इंटेग्रल दिस विल बी वन माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ऑफ कोर्स. ठीक है, ये जरा इसका ये फायदा. अब इसमें अब ये अनदर तीन पैरामीटर आ गए, के भी आ गए, सो वी हैव टू ऑप्टिमाइज थ्री पैरामीटर्स के सी ए और सी बी टू फाइंड द ग्राउंड स्टेट. और के की वजह से ये है कि एटलीस्ट आवर फिजिक्स इज राइट. एवरीबडी अंडरस्टैंड्स? अगर के नहीं लेंगे तो अगर ये हीलियम एटम को कोलैप्स करता है एटम तो ये वेव फंक्शन सही नहीं आएगा. ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल को तो कुछ नहीं होगा, नहीं एक्सपोनेंशियल माइनस आर बी एक्सपोनेंशियल माइनस आर बी यही रहेगा ना, तो हीलियम वाले में यहां पे टू आना चाहिए. ठीक है, हाइड्रोजन में तो वन है लेकिन हीलियम में यहां पे टू है, तो दैट्स व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस अनदर पैरामीटर दैट ऑफ कोर्स इज फंक्शन ऑफ आर. ये तो जस्ट नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है. ठीक है, ये ना भी लिखें तब भी यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, थोड़ी सी ये सी ए सी बी में कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी. ओके, ऑल राइट, सो वी हैव टू नो मिनिमाइज दिस. और ऑलरेडी हमने आपको बताया वेरिएशन मेथड में वो थ्योरी डेवलप की हुई है कि
minimizing W means that you have to solve this determinant, okay? क्योंकि ये आता है असल में इसी इक्वेशन से, ये थे ना इक्वेशन बनती है h सम c वेक्टर w s c, ये इक्वेशन बनती है, वेर c is c a c b. तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ये जो डिटरमिनेंट है इसका जीरो होना जरूरी है, क्योंकि इसको आप जो है वो यूं करके लिख सकते हैं h माइनस w s c वेक्टर इज इक्वल टू जीरो. तो ये जो होमोजेनस इक्वेशन है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा उसी वक्त व्हेन इसका डिटरमिनेंट जीरो है. तो बेसिकली आई हैव टू सॉल्व, वेयर h इज बाय द वे लेट्स से h a a h b a h. ये सिंबोलिज्म हमने शायद जब थ्योरी डेवलप की थी तो यहाँ पर C1 और C2 था और इसको हमने कहा हुआ था H11, H12, H21, H22. So, क्योंकि अभी CA, CB यूज कर रहे हैं, so that's why we are, you know, writing it like this. I think इसकी नोटेशन की जो वजह है ना वो ये है कि he's probably going to later on work out the heteronuclear molecules जिसमें A, B different molecules होंगे. So he's setting up the notation already in that way. अगर हम इस कोर्स में तो अब नहीं करेंगे क्योंकि next week जो है we'll get back to the atomic physics. So this SAB, sorry, SAA, SAB, SBA, SBB, where these H, AA is actually your phi, 1SA, H 1SA, ठीक है. और इसी तरह बाकी और जो ये है ये ओवरलैप इंटेग्रल्स हैं, जैसे SAA है इट्स 1SA 1S, और ये बाय द वे 1 होगा, राइट, क्योंकि हमने ऑलरेडी इनको नॉर्मलाइज ही ले लिए. अब ये जरा फायदा हो गया. इसी तरह जो SBB है जो ये ओवरलैप है ये भी 1 होगा, और चूंकि अब ये दोनों ऑर्थोगोनल नहीं है, ठीक है, और ये हो भी नहीं सकते क्योंकि ये न्यूक्लियस और जगह पे पड़ा हुआ है और ये न्यूक्लियस और जगह पे पड़ा हुआ है, ठीक है. तो अगर खैर ये फंक्शन भी सेम है तो ये चूंकि यहाँ पे है और ये क्योंकि ये ऑर्बिटल जो है ना ये है, इलेक्ट्रॉन ही मैं ऑर्बिटल को ड्रा कर रहा हूँ, ये ऑर्बिटल यहाँ पे है, तो इनका जो ओवरलैप है इट्स एस ए. बाय द वे ये you can check that SBA and SAB they will be same, so this is some overlap. और जो SAA और SBB हैं ये one है. और इसी तरह अगर HAA को देखें तो यहाँ पे SA है और जो HBB है वो भी यही होगा numerically. क्यों? क्योंकि उसमें ये SB आएगा तो चूंकि वो RB का function है और वो Hamiltonian symmetry के RA RB में you'll get the same thing. और जो एस ए बी है दिस विल इन जनरल बी बिटवीन जीरो एंड वन, क्योंकि ये नॉर्मलाइज है तो ओवरलैप अगर नहीं है तो जीरो होगा, अगर मैक्सिमम ओवरलैप है भी तो वन है. ओके, ये समझ आ गया सेटअप जो है जो प्रॉब्लम का. बाय द वे अगर आप पर्टर्बेशन थ्योरी से शुरू करते हैं ना तो देन व्हाट यू शुड बी डूइंग, आप लेट्स से एक तरीका ये हो सकता है कि आप हाइड्रोजन एटम को ले लें अनपर्टर्ब्ड, ठीक है, और उसके अंदर फिर एक ये जो न्यूक्लियस है ना ये ऐड कर दें, इस तरह से कर लें. या अब ये जो दो न्यूक्लियस हैं विदाउट इलेक्ट्रॉन, नहीं विदाउट इलेक्ट्रॉन जो है वो तो जस्ट डेल वाली टर्म रह जाएगी. I think this is the best way. You take this, you know, a hydrogen atom and add a nucleus to do the perturbation theory. जी? नहीं, अगर आप ग्राउंड स्टेट लेते हैं हाइड्रोजन की तो perturbation तो सिर्फ इतना ही पार्ट होगा ना, एक ही, क्योंकि ये है ना ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, तो ये आपका अनपर्टर्ब्ड है वेव फंक्शन, ठीक है.
ओके सो अब लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन. सो हमारे पास जो एच माइनस डब्ल्यू एस बन गई है डिटर्मिनेंट जीरो, सो ये बन जाएगा एच ए ए माइनस डब्ल्यू एच ए बी माइनस डब्ल्यू एस ए बी. ये जो एच बी है उसको भी मैंने एच ए बी लिख दिया माइनस डब्ल्यू एस ए बी, और जो एच बी बी है वो भी अब एच ए ए है माइनस डब्ल्यू. दिस इज इक्वल टू जीरो. इसको हमने सॉल्व करना. तो इसको अगर देखें ये बन गया एच ए ए माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस एच ए बी माइनस डब्ल्यू एस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो. तो ये माइनस वाले टर्म है इसको उठा के दूसरी तरफ ले जाए तो दिस विल बिकम प्लस. दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें तो ये बन जाएगा एच ए ए माइनस डब्ल्यू, और ये माइनस डब्ल्यू इधर आके प्लस डब्ल्यू हो जाएगा, प्लस माइनस एच ए बी माइनस डब्ल्यू एस ए बी. ये आ गया. सो डब्ल्यू प्लस माइनस एच ए बी, और ये माइनस के साथ मतलब ये माइनस प्लस आ जाए इसमें, और इसमें W कॉमन ले लेते हैं. इसको मैं उठा के इधर ले आता हूं तो ये प्लस माइनस इधर आके माइनस प्लस बन जाएगा. इनमें और में W कॉमन लेते हैं तो बन जाएगा वन माइनस प्लस एस ए बी, उसको इधर लाके डिवाइड कर देते हैं. तो ये W की दो वैल्यूज आ गई. सो लेट्स कॉल W1 वन एज आई डोंट नो, देखते हैं मैंने इधर क्या लिखा हुआ. W1 with plus, और जो दूसरा सोल्यूशन है W2 वो माइनस के साथ. अभी हमने ये वैल्यू नहीं किए बट वी हैव बीन एबल टू फाइंड दिस सोल्यूशन टू सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन W. बेसिकली दो आइगन वैल्यूज मिल गई है W1 W2. मामा समझ आ रही है आगे आपके ख्याल में क्या करना चाहिए? अगर हमने वो जो phi फंक्शन है ना उसके कोफिशिएंट सी ए और सी बी फाइंड करने हैं, व्हाट शुड बी आवर नेक्स्ट स्टेप? क्यों मरियम आपका क्या ख्याल? गुड. So we have this equation h minus ws into c is equal to zero. तो इस matrix में पहले w1 put करें तो c की values find कर लें, फिर w2 put करें, फिर c की और दूसरी set of values find कर लें. तो जब पहली करेंगे तो ये matrix बनता है, ये इधर लिखा हुआ है, इसे इधर से लिख लेते हैं h a a minus w1 h a b minus w1 s a b h a b minus w1 s a b h a a minus w1 into c a c b is equal to zero. अब चूंकि ये ऑलरेडी सिंगुलर हो चुका है क्योंकि ये हमने चेक के लिए डिटर्मिनेंट जीरो है, तो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम है एक्चुअली. ठीक है, यू कैन चेक अगर बजाहर डिफरेंट भी नजर आए. सो लेट्स यूज द फर्स्ट इक्वेशन टू फाइंड सी ए एंड सी बी. सो इस इक्वेशन को अगर मैं यूज करता हूँ तो एच ए ए माइनस डब्ल्यू वन सी ए प्लस एच ए बी माइनस डब्ल्यू वन एस ए बी इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू जीरो. तो यहां से अगर माइनस कॉमन ले लें, नहीं यहां पे डब्ल्यू वन की वैल्यू पुट करें ये जो है, और यहां भी डब्ल्यू वन की वैल्यू पुट करें, आप अगर कैंसलेशन वगैरह करें तो यू विल सी के ये बन जाएगा सी ए माइनस सी बी इज इक्वल टू जीरो, विच मीन दैट सी ए इज इक्वल टू सी बी. सो फॉर डब्ल्यू वन
दोनों क्वेश्चन बराबर हो गए, दैट्स ऑल वी कैन गेट, क्योंकि मुकम्मल तो सोल्यूशन ही निकलेगा, दोनों क्वेश्चन नहीं निकलेंगे. सो हमारा जो फाइ है वो क्या बन गया, फाइ बन गया सी ए वन एस ए प्लस वन एस बी, क्योंकि सी बी की जगह मैंने सी ए पुट कर दी. अब ये जो सी ए है इट्स अ नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट, उसके लिए जो फंक्शन फाइ है इट शुड सेटिस्फाई दिस थिंग. तो अगर मैं इसको रखूं तो ये बन जाएगा सी ए मॉड स्क्वायर इंटेग्रल वन एस ए मॉड स्क्वायर वन एस बी मॉड स्क्वायर प्लस ट्वाइस वन एस ए वन एस बी इज इक्वल टू वन. सो सी ए मॉड स्क्वायर, इसका इंटेग्रल वन है, इसका इंटेग्रल भी वन है, और ये आ गया प्लस टू, और ये जो इंटेग्रल है वन एस ए इंटू वन एस, सॉरी ये मॉड नहीं आएगा, वन एस ए स्टार एस बी आएगा. तो चूंकि ये रियल है तो इट डजंट रियली मैटर. तो ये वन एस ए वन एस बी का इंटेग्रल जो है इसको हमने कहा हुआ है एस ए बी इज इक्वल टू वन. सो यहां से सी ए आ जाएगा वन प्लस वन टू, टू कॉमन ले लें, दूसरा तरफ ले जाए स्क्वायर रूट ले लें, वन ओवर टू स्क्वायर रूट वन एस ए प्लस वन एस बी ओवर वन प्लस एस ए बी स्क्वायर रूट. ये आ गया फाइव फंक्शन. तो सर ये इवन होगा या ऑड स्टेट लगती है, आर ए और आर बी को अगर इंटरचेंज करें तो स्टेट ये रहेगी या माइनस साइन आएगा कोई बाहर, कैसे? ये वन एस ए जो है ना वो लिखा हुआ ऊपर और वन एस बी भी लिखा, अगर मैं एक आर ए और आर बी को इंटरचेंज कर दूं तो विल आई गेट अ माइनस साइन, नहीं आएगा ना. इसमें आर ए की जगह पे आर बी करेंगे तो ये वन एस बी बन जाएगा, इसमें आर बी की जगह पे आर ए करेंगे तो ये वन एस ए बन जाएगा. तो ये प्लस साइन है, आप वही चीज आ गई. नीचे जो एस ए बी है उसमें एक एक्सपेंशन में आर ए है, दूसरे एक्सपेंशन में आर बी है, इंटेग्रल है ना ये, तो उनको इंटरचेंज करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही जैसी फॉर्म है उनकी. सो दिस इज एन इवन स्टेट. तो ये जो स्टेट है ना इसके लिए अब सिंबल भी थोड़ा सा डिस्कस करते हैं इस, बल्कि लेट्स लेट मी वर्क आउट द अदर वन. जो दूसरा सॉल्यूशन है W2 का, तो फॉर W2 यू कैन चेक दैट यू विल गेट वन ओवर स्क्वायर रूट टू वन एस ए माइनस वन एस बी ओवर वन माइनस एस बी. हाँ, और इसमें अगर आप आर ए और आर बी को इंटरचेंज करते हैं तो ये वन एस बी बन जाएगा, ये वन एस ए बन जाएगा, माइनस बाहर चला गया और एस ए बी वो क्या वही रहेगा. सो दे ये वन माइनस ये चेंज नहीं होगा, यू गेट अ माइनस साइन. सो दिस इज एन ऑड स्टेट. वो जो थी डब्ल्यू वन वाली वो इवन स्टेट थी. लेट मी जस्ट री राइट इट अगेन क्विकली. वन एस ए प्लस वन एस बी वन प्लस एस ए बी स्क्वायर. सो ये थी इवन. और इसके लिए बाय द वे वी कैन यूज सिंबल सिग्मा. सिग्मा सिग्मा क्यों, क्योंकि एम जीरो है दोनों का. अब ये अनगीरेट स्टेट है और ये गीरेट स्टेट है, क्योंकि इवन के लिए हम जी यूज कर रहे हैं और ऑड के लिए यू. अच्छा, इससे आगे भी इसमें नोटेशन इस्तेमाल होती है. नोटेशन में हम जो लिखते हैं ना, देयर आर एक्चुअली टू वेज, आइदर वी यूज समथिंग ऑन राइट साइड और समथिंग ऑन लेफ्ट साइड. और रूल ये है कि अगर आप स्प्लिट एटम स्टेट्स लिखना चाहते हैं तो राइट पे लिखिए, अगर कंबाइंड एटम स्टेट लिखना चाहते हैं तो लेफ्ट पे लिखिए. अब अगर मैं स्प्लिट एटम नोटेशन यूज करता हूं तो आई विल राइट वन एस वन एस. इसका मतलब ये है कि ये जो स्टेट है ना ये ऐसी स्टेट है कि अगर एटम स्प्लिट हो जाए तो दे विल गो टू देयर वन एस स्टेट. सो दैट्स व्हाई इट्स रिटन वन एस. और यहां भी है,
और इसका अगर वैसे चूंकि एटम कंबाइन हो तो फिर भी 1s में ही जाएंगे, तो या आप 1s लेफ्ट पे लिख लें या 1s लेफ्ट पे लिख लें, एक ही बात। और सम टाइम इवन यू डोंट इवन नीड टू राइट s, क्योंकि अगर ये m जीरो है ठीक है, तो यहाँ पे 1s का मतलब है कि आप s स्टेट में ही जाएंगे। अगर 1 है तो 1 की s ही स्टेट है सिर्फ, जिसका m जीरो है, राइट। सिर्फ s स्टेट के m जीरो है ना। अगर तो 2 है तो फिर आपको शायद कुछ लिखना पड़े, क्योंकि अगर p है तो देर कैन बी अदर पॉसिबिलिटीज। बल्कि नहीं, उसमें भी अगर सिग्मा है तो इट्स s, अगर पाई स्टेट है तो इट्स यू नो p स्टेट। Just so equivalently, you can write it as 1s sigma u, but you can just write 1 sigma u. क्यों? क्योंकि s already deduced है. अगर m zero है, तो अगर आप split combine atom में जाते हैं, तो 1 में एक ही state है ना, जिसका s zero है, जिसका m zero है. इसी तरह इसको भी आप 1s sigma g लिख लें, या सही रहने में. Anyway, so let's come back here. अब जो इनर्जीज हैं, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कंप्यूट कैसे होती है, बट आई एम नॉट गोइंग टू डू इट, यू कैन डू इट योरसेल्फ। जो कन्फोकल एलिप्टिकल कोऑर्डिनेट है ना, उसमें जो वॉल्यूम एलिमेंट है, इट्स एक्चुअली 1/8 आर क्यूब एक्साई स्क्वायर ईटा स्क्वायर डी एक्साई डी ईटा डी। आप किसी मैथ की बुक में चेक कर लें कि ये वॉल्यूम एलिमेंट कैसे आता है। तो अगर ये वॉल्यूम एलिमेंट यूज करें तो इंटीग्रल्स अगर वैल्यूट करें तो जो एच ए ए है वो आ जाएगा, आई डोंट नो, इट्स समथिंग, सो यू कैन इवैल्यूएट इट, ओके, सो इट इज फंक्शन ऑफ आर एटसेट्रा। बल्कि लेट मी जस्ट राइट द फाइनल इनर्जीज। आप डब्ल्यू और एस कंप्यूट करें ना, इंटीग्रल्स कंप्यूट करके, तो जो डब्ल्यूज हैं अगर कंबाइंड फॉर्म में लिखें, हाफ के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस के माइनस आर इनवर्स प्लस आर इनवर्स दिस इज डब्ल्यू। और जो यू है, जो एनर्जी पोटेंशियल है विच इज सीन बाय द न्यूक्लियाई, दिस वुड बी डब्ल्यू वन एंड टू प्लस 1/r, ओके, के जो स्टेट 1 है उसकी एनर्जी प्लस 1/r टर्म। इसी तरह जो यू टू है, डब्ल्यू टू प्लस 1/r। और अब आप देख रहे हैं कि जो आपकी एनर्जीज हैं, दे आर फंक्शन ऑफ आर, एंड बाय द वे दे आर फंक्शन ऑफ के एस वेल, ठीक है। और अभी हमारा प्रॉब्लम मुकम्मल सॉल्व नहीं हुआ, उसकी वजह यह है कि वी स्टिल हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ओके। सो देयर आर एक्चुअली टू वेज टू डू दैट, के यू कैन आइदर यू नो डू इट एक्चुअली एनालिटिकली एज वेल, के फॉर दीज डब्ल्यू वन डब्ल्यू टू यू टेक देयर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के एंड minimize the energy that will give you the minimum value of k as a function of r, but then you can also do it numerically. Ab lekin numerically aapko r fix karna padega. For each value of r there is a value of k which minimizes the energy, so this k is function of r. So thoda sa non trivial ye problem hai. It's not just ki aap k ki value let's say find karte hain to ye 3 aa gayi hai, to 3 pe aapko ground state mil gayi, aisa nahi hai. For each value of r, there is a value of k. So k is an r-dependent function parameter. Anyway, so people have worked it out. Let me just discuss the results and then try to interpret them. So the result
or something like this. So first, let me draw the profile U. So for the even state, the profile is actually something like this. So this is the sigma one, sigma G, 1s. Or the dusri state is something like this. So this is sigma U, 1s. So पहले तो ये देख लें कि ये जो आपकी odd state है, ungirate, वो उसका कोई minimum नहीं है. इसका मतलब है अगर आपका माल जो आयन है हाइड्रोजन आयन वो इस स्टेट में है तो इट्स नॉट अ बॉन्डिंग स्टेट. देयर इज नो बॉन्ड. क्यों? क्योंकि कोई एनर्जी मिनिमा नहीं है. और अगर आयन जो है वो इस स्टेट में है तो देन दिस इज अ बॉन्डिंग स्टेट. दी वी हैव अ स्टेबल आयन विद यू नो एन इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिवन बाय दिस आर ई. सो दिस इज अ बॉन्डिंग स्टेट. This is an anti-bonding state. Or uskeli actually there's a notation for anti-bonding states. We put a star. So this star means there's no energy minima. So this is an anti-bonding state and this is a bonding state. Just one word of caution: don't think that all odd states are anti-bonding. Okay. But most of actually the anti-bonding states are odd states, but there are few odd states that that are also bonding states. Okay, and this is the bonding state. Let's try to actually make physical sense as well. Or uske liye I'll discuss value of k a little bit later. Let me just see how we can picture these bonding and anti-bonding and even odd states. First, करें आपका ये एक nucleus इधर है, एक nucleus इधर. इसका मतलब है कि जो split atom आपके वो है wave function वो इस तरह से हैं. अगर आप 1s a को देखें तो उसका जो mod square है वो इस तरह से है. ठीक है, क्योंकि एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है ना. जो हाइड्रोजन एटम है उसकी जो ग्राउंड एस स्टेट है उसकी एनर्जी प्रोफाइल ऐसी है ना कि न्यूक्लियस में होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा और बाद में कम होती जाती है. जो वेव फंक्शन की बात कर रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है उसमें चूंकि आर स्क्वायर भी आता है सो दैट गोज लाइक दिस. ठीक है, ये स्टेट है आर स्क्वायर 1s a स्क्वायर. So, ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो यू है कि इलेक्ट्रॉन इज यू नो मोस्टली फाउंड हियर. जो वेव फंक्शन है 1s a जो कि आइगन स्टेट है हैमिल्टोनियन की वो ये है. ठीक है, और अगर मैं क्योंकि अब ये 1s a इज अ फंक्शन ऑफ यू नो बल्कि लेट मी जस्ट पुट इट एज 0 0 z. सो दिस इज जस्ट दिस इज z एक्सिस. सो द फंक्शन ऑफ z दिस इज डिकेइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर साइट. इसी तरह जो वेव फंक्शन यहां पे है इंडिविजुअल इट्स डिकेइंग अवे फ्रॉम द न्यूक्लियर साइट एट बी. अब जो बॉन्डिंग स्टेट है विच इज द इवन स्टेट वो कौन सी है? सिग्मा जी वन एस. अगर इसका देखें ना वेव फंक्शन तो दिस इज प्रोपोर्शनल टू 1s a प्लस 1s b, राइट? और अगर इसको प्लॉट करें तो ये यूं करके आता है एक्चुअली a b. सो देयर इज अ मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा लाइक दिस. सो इफ यू यू नो फ्लिप इट अराउंड z एक्सिस इट इज स्टिल द सेम. और अब हम इसको देखें, इसका मतलब है कि और इसका वो यू कैन नो वर्क आउट द प्रोबेबिलिटी डेंसिटीज फॉर व्हिच यू नो यू विल हैव टू मल्टीप्लाई विद आर स्क्वायर दैट इज समथिंग लाइक दिस. इसको मैं लेट मी मेक इट अ कंटूर प्लॉट. अगर ये एक
न्यूक्लियस है, दूसरा न्यूक्लियस है, तो जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि आपने ये जो इससे डिस्टेंस वे है ना उससे मल्टीप्लाई, उसके स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. सो यहाँ पे न्यूक्लियस का डिस्टेंस जीरो है, सो इट्स डिक्रीज, बट अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस इट्स नाउ इंक्रीजिंग, क्योंकि आर स्क्वायर इंक्रीज कर रहा है, आर स्क्वायर इज द डिस्टेंस फ्रॉम हियर. लेकिन चूंकि ये वेव फंक्शन भी डिक्रीज कर रहा है तो इट यू नो गोस टू अ मैक्सिमा एंड देन इट्स इंक्रीजिंग ऑन दिस साइड अगेन. तो यहाँ पे यू कैन वर्क इट आउट एट समथिंग लाइक दिस. एक्चुअली अगर कंट्रोल प्लॉट करें ना, सो इट्स हाँ जी बॉन्डिंग, ये इवन स्टेट की बात कर रहे हैं, दैट देर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इन द मिडल एज वेल, देर इज अ प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग हेयर 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 एज वेल. सो अगर आप इनर्जी चार्ज डेंसिटी देखें, सो देर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इट इन द मिडल. जब इलेक्ट्रॉन की यहां भी होने की प्रोबेबिलिटी है तो उससे बॉन्डिंग स्टेट क्यों पैदा हो रही है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसको ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस बिकॉज ऑफ दिस चार्ज डेंसिटी दे आर बीइंग शील्डेड अवे फ्रॉम ईच अदर, कि इनकी जो आपस की रिपल्जन है इट्स गोइंग डाउन. सो ये जो कंबाइंड इफेक्ट है दिस गिव राइज टू दिस यू नो सॉर्ट ऑफ बॉन्डिंग स्टेट. क्यों? क्योंकि अगर इससे ज्यादा आप इसको डिस्टेंस बढ़ाते हैं तो व्हाट हैपेंस के जो इनकी वो जो आपस की रिपल्जन है वो तो कम हो रही है. अलबत्ता फिर ये इलेक्ट्रॉन जो है इट्स आइदर यू नो सॉर्ट ऑफ सिमेट्रिकली हेयर और सिमेट्रिकली हेयर, सो दैट यू नो देयर इज नथिंग व्हिच इज टू व्हिच दे आर बोथ बीइंग अट्रैक्टेड. सो दैट्स व्हाई द एनर्जी स्टार्ट टू इंक्रीज अगेन. और अगर आप इनको यहां से और करीब लाने की कोशिश करते हैं देन ये चूंकि दो न्यूक्लियाई हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन बेचारा जो है वो कितनी भी शील्ड कर सकता है. सो देन क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी हर जगह पे है, वो दरमियान ये जो इनका वो रिपल्जन है दैट स्टार्ट्स टू टेक ओवर एंड योर एनर्जी बिगिंस टू गो अप. सो देयर इज दिस स्वीट स्पॉट which you know balances out and that's why we have a bonding state. Okay, जो anti-bonding state है उसका जो wave function है वो इस तरह का होता है. अगर तो आप wave function देखें ना तो उसको इस तरह का होना चाहिए. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये ऐसा होना चाहिए कि व्हेन वी चेंज थिंग्स द प्लस गोज टू माइनस एंड प्लस माइनस गोज टू प्लस एंड प्लस गोज टू माइनस सो दैट वी गेट अ माइनस साइन विद अ वेव फंक्शन. अब इस तरह की जो है वेव फंक्शन, इसका मतलब है कि इट फर्स्ट ऑफ ऑल इट पासेस थ्रू जीरो हियर. तो जब आप इसकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ड्रॉ करते हैं, लेट्स से इफ यू वांट टू मेक द कंट्रोल प्लॉट, तो Let me draw a dotted line. So, ये वो लाइन है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रॉबिलिटी जीरो है. It's called nodal plane. So, this is a plane in the middle of the two nuclei where electron cannot be found. So, electron has probability, some probability of being found here and here, but not in the middle. And overall, the total probability of being found here is much less than this one. So, mostly, you know, electron is found in this region or this region. So the electron charge density is high here and here, but low here. So that's why there's no energy minimum for this state. That if you bring them closer, it goes up. If you take them away, you know, it goes down. And ultimately, the electron is either here or here, which means energy approaches to minus half of the split atom energy. So that's why this, you know, anti-bonding state doesn't have this is an anti-bonding state. But fortunately, if you plot the energy level diagram of this system, W1 is lower and W2 is higher, which means ke jo aapki ye jo bonding state hai this is lower energy and anti-bonding state is higher in energy. So the ions is most likely to be found, you know, in this state, which means that if you have a hydrogen ion,
it will be found in a bound state. It will be found in a molecular state. So is it possible? जी जी it's possible. और उसके अलावा इस डायग्राम का दूसरा ही फायदा होता है कि फर्ज करें जैसे इफ यू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ लेट्स से द मोस्ट बेसिक मॉडल जिस हम एटम में इमेजिन करते हैं कि अगर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम है सो यू कैन पुट टू इलेक्ट्रॉन इनटू वन ऑर्बिटल क्योंकि यू कैन हैव स्पिन अप एंड डाउन तो अगर हम हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी जब बनाएंगे वी विल हैव टू इलेक्ट्रॉन बोथ ऑफ देम विल गो हियर ठीक है क्योंकि अभी तो इसमें एक ही है ना we have only one electron but even if in the hydrogen h2 molecule another one can come here okay and if, but if we have a helium atom two helium atom unka molecule banane ki koshish karte hain so the two helium atom comes close there are four electrons two will go here two will go here and now the total energy of the system would actually be higher than this one But not only that, there's no bonding between the two helium atom. Why? Because there are two electrons in the anti-bonding state and two electrons in the bonding state, and the total energy would actually be more broken energy. So you can say that the attraction that is created by these is essentially lost by these, and there's no helium ground state that exists in the there's no helium molecule state that exists in the ground state next class we will study the excited state so excited maybe we have some bonding state and some let's say there might be some pi state or sigma state so agar helium se aap kuch electron excite kar dete hain let's say there's one electron here then we can have a bond kyun kyunki ये अगर एक्वाइड है यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन ऊपर ये बॉन्डिंग स्टेट में चला गया एक्साइटेड में सो एन एक्साइट वी कैन हैव हीलियम एटम हीलियम मॉलिक्यूल इन द एक्साइटेड स्टेट बट एज सून एज द इलेक्ट्रॉन डिकेज द मॉलिक्यूल वुड स्प्लिट अगेन ओके सो एनी क्वेश्चन आप वो जो साई है वो जो वेव फंक्शन है उसको मॉड स्क्वायर में वो वेरिएबल की वैल्यूज पुट करते हैं इट्स फंक्शन ऑफ आर थीटा फाई ये तो यहाँ तो एक तो हमें पता ना इसमें जी सिमेट्री होनी है ठीक है सो आई जस्ट नीड टू ड्रॉ इन दिस प्लेन तो जो टोटल है वो आप इसको जो रिवॉल्व कर ले अराउंड जी एक्सिस You'll get that volume picture. लेकिन अगर ये plane में करना है तो उसमें आप वो और x y z की value put करें you'll get it. हाँ. जी जी. Okay, so. I have a comment about K. Actually, that's I think it's better if we just make it now. जो symmetric state है ना, उसमें जो K है, it actually varies. It goes from 1 to 2 as function of R. इसके लिए जो K है, यहाँ पे K roughly 1 हो जाता है, और यहाँ पे जो K है, it goes to 2, which is very in line with what should happen. This K, as I said, is a function of R, right? So, अगर आप हर आर पे के कंप्यूट करें तो नो सॉरी यहां पे ये 1 हो जाता है और यहां पे ये 2 हो जाता है एंड दैट्स हाउ इट शुड डू ठीक है ना क्योंकि जब आर इंफिनिटी है तो वी हैव अ स्प्लिट एटम स्टेट सो के शुड बी 1 हाइड्रोजन एटम की तरह और व्हेन वी हैव आर 0 इट मीन वी आर अप्रोचिंग हीलियम सो के शुड बी 2 बिकॉज के करस्पॉन्ड टू दैट न्यूक्लियर चार्ज पैरामीटर और जो मोलेकुलर पॉइंट है जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है यहां पे जो के की वैल्यू है इस स्टेट के लिए दैट इज समवेयर इन बिटवीन आई थिंक 1.34 समथिंग मैंने यहां नहीं लिखी इट इज समवेयर बिटवीन 1 एंड 2 आई थिंक 1.4 के 4 इश के राउंड है
ठीक है, विच मीन्स के जो इस स्टेट के अंदर जो रफली स्पीकिंग वी आर इन अ सिचुएशन विच इज इन द मिडल ऑफ हीलियम एंड अ हाइड्रोजन एटम, जबकि जो ये एंटी बॉन्डिंग स्टेट है इसके अंदर जो जो k की वैल्यू है इट गोज फ्रॉम 1 to 0.4, यहाँ पे k 1 होता है और यहाँ पे जो k है, नहीं यहाँ पे k 1 है और यहाँ पे इट गोज टू 0.4. फॉर दी ऑड स्टेट. सो जो इसका भी बिहेवियर है इन्फिनिटी पे 1 पे जाने का, दैट्स अंडरस्टूड, क्योंकि जब स्प्लिट एटम होगी वी शुड गो टू द हाइड्रोजन एटम सिचुएशन. लेकिन यहाँ पे जो जो चीज इसके बिल्कुल अगेंस्ट है कि बजाय इसके के वी अप्रोच द हीलियम एटम सिचुएशन, वी आर अप्रोचिंग समथिंग लाइक इवन यू नो a charge distribution which is helium to kya hydrogen ke hisab se bhi kam hai, theek hai, yani ye aise hai ke when we have these two electrons these two nuclei collapsing together, it is essentially as if we have a nucleus with two times hydrogen charge and then let's say an electron here and for the other electron it's somewhere you know very far away that it's not seeing the nuclear charge that much. So this sort of, you know, essentially corresponds to then collapsing to an excited state of helium atom instead of the ground state. So this is sort of equivalent to collapsing. Nahin, balki humare paas electron ek hi hai. So there's nothing else to shield. It's almost like just one electron, but far away from the nuclei. So this is mimicking an excited state. So that an equivalent, then an effective charge that is seen by the electron is very small. Jabki yahan pe ye K2 hai, so this exactly corresponds to the helium ground state. So iska matlab hai ki ye jo anti-bonding state hai, isme jo electron hai, it's sort of trying to live far away from the nuclei. So that's why there's no bond between them. Aur jo ye state hai, isme the electrons are trying to live close to the nuclei, so that's why there's sort of a bonding state. But this is just, you know, a different way of trying to make sense what's going on. The most important thing is just this minima. So if there's a minima, we have a bonding. No minima, no bonding. Okay, so we'll study the excited states next time.